एनडीए। धीरे धीरे करके एनडीए से कई पार्टियां अलग हो गईं, लेकिन बीजेपी का विस्तार वैसा ही है। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो 29 पार्टियां एनडीए में आ गईं। तब बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती थीं, जबकि एनडीए के बाकी साथी 54 सीट जीत चुके थे। चुनाव के बाद भी कई दल एनडीए में आए। मोदी के पीएम बनने के बाद कई पार्टियां एनडीए छोड़ चुकी हैं। दिसंबर 2014 में तमिलनाडु की एमडीएमके ने साथ छोड़ दिया। चीफ वाइको का आरोप था कि बीजेपी तमिलों के खिलाफ काम कर रही है। इसके बाद विजयकांत की डीएमडीके और एस रामदास की पीएमके ने तमिलनाडु में चुनाव से पहले साथ छोड़ दिया। हालांकि 2019 के चुनाव से पहले उन्हें एनडीए गठबंधन में 7 सीटें दी गई हैं। तेलुगु स्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी का भी एनडीए से मोह भंग हो गया। 2018 में राज्यसभा नहीं भेजने से नाराज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी महागठबंधन में चले गए। उन्होंने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। जब साथ छोड़ने की बात हो रही है तो नागालैंड चुनाव की बात कर लेते हैं। नागालैंड चुनाव में बीजेपी ने एनडीपीपी से गठबंधन किया। 15 साल पुराने साथी एनपीएफ ने साथ छोड़ दिया। कर्नाटक चुनाव में केपीजेपी जेडीएस के साथ चली गई, एनडीए का साथ छोड़ दिया। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने से नाराज चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। सीटों के बंटवारे में अनदेखी पर उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए। गोरखा से धोखा करने का आरोप लगाकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी साथ छोड़कर चला गया। कश्मीर के मुद्दे पर पीडीपी और नागरिकता बिल को लेकर असम गण परिषद ने भाजपा से किनारा कर लिया। शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं। शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी रहे। उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। एनडीए से घटक दलों के जाने का सिलसिला 2014 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ही शुरू हो गया था। सबसे पहले जिस पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ा था उसका नाम है हरियाणा जनहित कांग्रेस। दूसरी पार्टी बनी एमडीएमके, जिसने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। चलिए वापस आते हैं बिहार की सियासत पर। बिहार की सियासत में जो खेल चल रहा है वो साफ तौर पर कुछ ऐसा है कि यहाँ भी बीजेपी का विस्तार है, लेकिन यहाँ पर एनडीए से एक और पार्टी अलग हो गई, यानी जेडीयू ने किनारा कर लिया। कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से अब तक लगातार बीजेपी का भले ही विस्तार हुआ हो, जगह जगह भाजपा भाजपा हो रहा हो, लेकिन अगर बात एनडीए की हो तो एनडीए कहीं ना कहीं सिकुड़ता जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।